हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। तो आप सब कैसे हैं? हम लोगों के यहाँ तो थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है गाइस। आज है 1 मई और आज हम लोग ना गांव जाने वाले थे। बाबू चप्पल लाया। गांव जाने वाले थे गाइस, आज नाइट में निकलने वाले थे और ना नीति का तबीयत खराब हो गया है। चप्पल पहन बाबू, पहन दोनों को ना। तो फिर अभी हम लोग ना इसको उल्टा पहन रहे हो। हम लोग अभी नीति को ही दिखाने के लिए जाने वाले हैं। तो क्या हो गया है मैं बताती हूँ आप लोगों को। और गांव जाना था, कैसे करें समझ नहीं आ रहा है और जाने का मन तो बहुत। तो गाइस, नीति को ना कल शाम से थोड़ा सा फीवर लगा और फिर ये बोली कि मम्मा मुझे ना इधर कान के नीचे ऐसा दर्द हो रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मलक वलक गया है, मैं मूव लगा दूँ। तो बगल वाले हमारे पड़ोसी लोग बताए कि नहीं, ये ना इधर देखो, यहाँ पे ना ये रहा, सूजन आ गया है। और ये देखो यहाँ पे ना, ये देखो, नहीं खींचो बेटे स्किन को, ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा जगह में ना सूजन आ गया है। इसको गलवा माता हो गया है शायद। तो अपन थोड़ा सा इसको दिखाने जा रहे हैं सुबह ही, ताकि थोड़ा बहुत इसको आराम मिल जाए। बाबू भी आना है। आपको नहीं हुआ बेटा? बाबू को सर्दी हो गया है, तो चलते हैं। तो गाइस, हम लोग नीति को दिखा लिए हैं और फिर जब तक छूट नहीं सकता है तब तक हम लोग गांव भी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी ना उसको 2-3 बार और लेके आना पड़ेगा। क्या बोले था? कितना दिन तक नहीं जाना है बोला मैं? 3 टाइम इसको दिखाना है बिट्टू को, उसके बाद ही जा सकते हैं। अब कैसे करें? नहीं जाएंगे बेटा, नीति को ही सबसे ज्यादा जाने का मन था, मुँह खुला। कैसे करेंगे? आपकी तबीयत खराब हो गया। कौन बनाएगा? कैसे करेंगे? चलते हैं गाइस यहाँ से भी अलग घर। खास गाइस, अभी हम लोग ना नीम का पत्ता तोड़ने के लिए आए हुए हैं। बस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जितना तोड़े उसको दे दो। थोड़ा सा और तोड़ो क्या? इतना ही और। तो गाइस, हम लोग नीम का पत्ता लेने आए थे यहीं बगल में मेरे रूम के। क्या है कि बोला गया है कि जहाँ पे नीति सोएगी ना वहाँ पे इसको रखना है बिस्तर में, और घर में भी रखना है, तो फिर जल्दी ठीक होगा, या फिर जो भी मैं नहीं पता, लेकिन जैसा बोले हैं वैसा तो अपन को करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम लोग नीम का पत्ता लेके जा रहे हैं घर। तो गाइस, अभी मैं बाबू को सुला ही रही थी कि नीति के पापा का फोन आया कि थोड़ा सा काम है, इधर दुकान साइड आया हूँ, आ जाओ करके। और नीति उधर आराम कर रही है, तो हमने नीति को छोड़ के जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा काम भी कर देती हूँ गाइस, फिर निकलते हैं ना। बाबू जाएंगे ना? पापा पा? पापा बुलाया। हाँ, पापा बुलाया ना बेटा, चलो। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोग को बुलाया गया है, और देखते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को भी बताऊँगी अगर बताने लायक कुछ है तो। चले जाएंगे अंदर, ये हमारा इंतजार करते हुए। तो गाइस, यहाँ पे हमको दुकान में बुला करके बैठा दिया गया है। इधर तो कुछ पता नहीं चला, यहाँ भी इधर हंसा जा रहा है। इधर ही 5 मिनट बैठने को बोला गया है। क्या है 5 मिनट के बाद? खुद देखो, तो कुछ खास ही होगा लग रहा है, है? ठीक है, हम वेट करते हैं 5 मिनट, वेट कर लेते हैं ना गाइस। मैं जल्दी फल्दी कंघी वंगी जस्ट फस करके आ गई हूँ नीति को सुला करके। वीडियो बनाएगा ही बनाएंगे नहीं क्या? अरे हड़बड़ी में बोल क्या, अच्छा से बोलिए, इसीलिए बुलाया जा रहा है। सही है भैया। तो गाइस, ये इतना बड़ा सरप्राइज था, बड़ा तो नहीं लग रहा है लेकिन शायद बड़ा है लग रहा है, इतने में छोटा है। तो इधर देखेंगे, यही सरप्राइज है ना। थैंक यू। कभी ओपन नहीं किए हैं हम लोग।
कहाँ नहीं जान रहे हो क्या? सेठ जी से बात कर, उधर है बताओ भैया। नहीं गलत नहीं बताएगा, इसका नाम भी तो बताइए, पकड़वा दिए बस डब्बा को। हाँ नहीं सुनाई देता है, बोल दे। दिखाओ पीछे का दिखाओ, 15 है ना, ग्रीन कलर सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसका एक बार ना तो सामान चेंज हुआ है ना, बहुत चप्पल तो गाइस अपन चलते हैं यहाँ से, हो गया, हमको गिफ्ट मिल गया है, खुशी खुशी घर जाते हैं। नीति को छोड़ के आए हैं, बेचारी बीमार हो गई है। बाबू अभी आप ऑफिस जाओगे कि? ये तो नहीं बताया आप किस खुशी में लिए। तो गाइस इनका मन किया और ये ले लिए, ठीक है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आना जल्दी ना बेटा, हम खाना बनाए रहेंगे। चलो ठीक है, बाय बाबू। चलो बेटा, हमारा गाड़ी गरम हो गया है बेटा, चलो आप आगे खड़े हो जाओ ना। तो गाइस अभी मैं रूम आ गई हूँ और एकदम ज्यादा गर्मी लग गया था, बहुत ज्यादा तेज धूप बाहर में पड़ रहा है, तो फिर नहा वहा ली हूँ। और नीति सोई ही है, मतलब उठ नहीं रही है, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ चबा के खा भी नहीं पा रही है। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा दलिया बनाई जो कि भी गर्म है, तो थोड़ा देर ठंडा होने के बाद फिर मैं उसको खिला दूंगी। और बाबू क्या कर रहा है बेटा? बाबू तो अपना गाड़ी इसका फेवरेट है, वही खेल रहा है। तो अभी थोड़ी देर में नीति के पापा भी आ जाएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हमारे नए आईफोन के बारे में कुछ बहुत बताऊंगी। मेरे को तो अभी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी यूज किया ही नहीं है। तो फिर ये रहा अपना फोन जो कि मैं अभी इसको बिल्कुल ऑपरेट करने नहीं जान रही हूँ, क्योंकि गाइस इसमें बहुत कुछ कुछ अभी वो करना पड़ेगा, उसके बाद ये खुलेगा तभी इसमें यूट्यूब आएगा, व्हाट्सअप आएगा, तो अभी मुझे नहीं आ रहा। तो ये कितना GB है इस आईफोन में, इसमें तो मुझे नहीं पता है क्योंकि इन्हीं का चॉइस है, यही लेने गए हुए थे, तो मुझे क्या रेट पड़ा कितने का उसको दिखाओ। तो इसको GB का फोन है जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो गाइस पहले जो मेरा वन प्लस फोन था वो 128 GB का था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था स्पेस के लिए। और इनके पास रियलमी था, उसमें तो था ही, आया यूज कौन करेगा फोन को। मैं दोनों भी कर सकते हैं, है ना, आप भी कर सकते हो। बात वही तो बोल रही, मेरा भी नया ही था और आपका भी नया ही था। तो ठीक है गाइस, ये वाला ब्लॉग यहीं करते हैं। आप फोन तो ले लिए हैं, यूज कौन करेगा नहीं पता, घर में ही रहेगा, जिसको मन करेगा वही यूज करेंगे। और नीति का तबियत भी सुधार नहीं है गाइस, तो मिलेंगे जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।